मारने वाली बात की कि भाई आपने डूगा खाया तो उन्होंने मारा है या लगा है, एक फर्क होता है। लगा कोई हिरण हिरण आ रहा था कि वो नहीं मां से हिरण आ रहा था कि मैं तो नमस्ते करने गया था बिलक दूर मेरे से जी। लगा तो ये धरना टूट जाता। आज ये हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 महीने तो एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया, वो सिर्फ माइक के चासुरु थे। माना हाँ समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई? डोगा मार गया लचोट दिखाओ मेरे डोगा मारे है। और भाई हम तो अपना कानून का पालन कराएंगे। जब खटखट टोल प्लाजा का साफ साफ कानून है, इब जनता तो पूछिए अच्छा करे है बुरा, हम किसी माइक राजनीतिक आदमी को माइक नहीं देंगे। जिस दिन माइक दे दिया हजारों मिंडे कूद जाएंगे और धरना हमारा टूट जाएगा। क्यों राजनीति हमने कुछ नहीं दिखाई देता, हमने तो 3 काले कानून MFC पर गारंटी दिखाई दे है, चौक मोदी बांध रखे हमने। प्रधान जी भाई कोई बात नहीं, मारादनी है मारादनी है, वो तो बड़ा है। नाराजगी दिखाओ खुशी दिखाओ वो तो उसका काम है। मारा हमने आदर में कमी छोड़ी हो, कुर्सी चाह गाय का दूध बकरी का दूध जो मंगाया पहला हम ले लेके तो रहे कुर्सी पे दी सारा। लेकिन भाई माई काली मारी मजबूरी है, प्रोटोकॉल बोलना अंग्रेजी में तो घना जानता नहीं, मतलब न्यू कहें भाई बोलन नहीं देना लिखित रूप में है और यू कोई नहीं बोलन दिया। तो भाई नाराजगी तो वो बड़ा आदमी है। आंदोलन में कितना का बल मिलेगा जी इस यात्रा तक? यात्रा तक मेरे ख्याल में देखिए आप अपने विचार है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, आंदोलन में कोई फायदा नहीं होगा। लोग बुरे भले हुए हैं, कोई कहता बुला दो, कोई कहता हम रोला करेंगे, रोला करेगा हमारा आंदोलन और किसान मजदूर और जुट जाएंगे भाई। अपमान है भाई, बताइयो ना, मतलब बताइयो ना इस चैनल वाले, अपमान है। लाठी डोगे तो हमारे यह सरकार मारन लग रही है, यह सरकार मारन लग रही है, बीजेपी CJP ये मारन लग रहे हैं। और डोगा मारने का कारण क्यों था? क्यों हम समाज ने गु बना रखे, जो कमेटी के फैसले मारब करवावे हैं बुलावे हैं, बिला कवा यू बोलू हूँ मैं, कमेटी के जो फैसले हैं बुलावे हैं भाई जिम्मेवारी के कारण, क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है हमारा, शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा हमारे 8 महीने हो गए, कोई किसी किस्म का सरकार के बीच में हमने रोड़ा नहीं अटका। लेकिन राजनेता की भाषा हमने बेरा है, काम में एक वार्ड का मेंबर बना दो सारी उम्र कान के कीड़े नहीं लगेंगे। क्यों राजनीति भाषा इसी है? हाँ बोल बोल भाई। प्रधान जी मैं ये कह रहा था, मतलब एक लास्ट पॉइंट ये है कि अब क्या इसके ऊपर बात आगे की जाएगी और क्या आपकी तरफ से क्या जो रहेगा? कुछ नहीं रहेगा भाई, सादा आंदोलन से लगे, हमारी तो सीधी सरकार से लड़ाई है, किसी ना राजनीति के लड़ाई ना किसी व्यक्तिगत भाई से लड़ाई, सीधी सरकार से लड़ाई है। मामले 600 आदमी मारे शहीद हो गए, हजारों आदमी महामारी में मारे गए, हमें राजनीति का कोई विश्वास नहीं करते। ठीक है राजनीति किसान ही मदद करो, आगे मदद करो भाई, चंदा जो अपना दिल्ली बॉर्डर पर धरना लाओ। प्रधान जी एक चीज देखी है, ओम प्रकाश चौटाला जी 4.5 मिनट तक खड़े रहे, उनकी बात थी कि माइक दो उसमें राम राम करूंगा, खटखट टोल प्लाजा ने पहले बोल रखा था माइक दिया नहीं, लेकिन उसके बाद वो राम राम तो उन्होंने नहीं करी, बगैर राम राम करे चले भाई। सोनू माल इसने तो भाई फिर मैं जी ये तो उसी मैं सारा हमने राम राम करी और 3-3 जोड़ के डोगे भी खा लिए, कोई बात नहीं महाराज नहीं, हम तो गोली खाने खातिर तैयार हैं। इससे ये मानना है उसकी खुद की व्यक्तिगत सोच है, इतना बड़ा ना आप मेरे को राम राम करो और मैं नहीं करूँ तो नहीं सोच लें, मेरे में कुछ न कुछ अंग का या कोई जमीन का कोई अंग का मतलब है, गर्मी है तो खटखटोल जाना वो दिक्कत तो दिखाई दी भाई। पूर्व मुख्यमंत्री जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे वो भी नहीं बोलने दिए, तो यह परंपरा इसी तरीके से चलती रहोगी, क्योंकि एक मिसाल खड़ी कर दी, काफी टोल कोर भी हैं जिन पर राजनीतिक आदमी बोले हैं, लेकिन खटखटोल प्लाजा है आज भी रिकॉर्ड टूटे हैं, पहले भी टूटे हैं। कानून सबके लिए बराबर, या तो माड़ी सरकार आ लाएगी
कानून का ये प्रोटोकॉल उरा बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल सरकार में बोलना चाहिए, संसद। आज जैसे तो पहला साहब आए, हाँ भाई, आप लोगों ने बीच में आपने स्वागत किया तो बगैर बोले आप लोग अगर माइक साथ जाने करेंगे, माइक नहीं दें। हाँ, तो यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा भी बोल के गए हैं, यहाँ पे अभय सिंह चौटाला भी। आपका नाम? जसवीर मलिक। आज तक हमारा को एक प्रूफ बताओ, अभय सिंह चौटाला में यहाँ नहीं बोला, माइक पर नहीं बोला, नहीं मलिक साहब, ना मैं बताऊंगा ये बात, सुनो मलिक साहब, मैं बताऊंगा मलिक, इसे रोला था मैं, राजनीति को माइक नहीं देंगे, करता साइज करें हैं लोग, किसी को भी दीपेंद्र हो, सुरजाला हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, किसी को माइक नहीं दिया है, यही बात नहीं जुगरा आप फैला रहे हो, मैं बताऊंगा, मैं साफ बात कर रहा हूं, मैं यहां मौजूद था, अभय सिंह चौटाला ने, हां नहीं मैं बताऊंगा, दिया है और सुनो मलिक साहब, मैं बताऊंगा, अपनी गाड़ी में तो आप अभी रुके मारते साला, जय हो चौटाला, जय हो मनोहर लाल खट्टर, अपनी गाड़ी में तो सब खिचड़ी बनाओ, चावल बनाओ भाई, रोटी परौंठे तारो, लेकिन साझा माइक नहीं करे, मैं लग जी ये किसान मजदूर का धरना है, पार्टी का धरना नहीं है, किसान मजदूर बोलेंगे यहाँ पे, कोई राजनीतिक आदमी ना बोलिया ना बोलन देंगे। अरे एक और बात हो, जे आज मान ले किसी दबाव से, दबाव मान जाते किसी भाई का, एकदम धरना पट जाता, जूते लग दे कमेटी का, सबकी सलाह है, गामा की, बच्चे की, मजदूर की, किसान की, सबकी भला है। मलिक साहब, जो आपने सवाल किया, आप यहाँ थे या नहीं थे, होंगे जरूर होंगे, बट इससे पहले भी राजनेता यहाँ आए, पहले तो मैं इसी बात का जवाब दे दूं, अबे चौटाला स्टेज के माइक से नहीं बोले, वो दूर जा कर के अपनी गाड़ी के माइक से बोले, हाँ नहीं नहीं यहाँ बोले, वो अपने माइक से बोला, अभी यहाँ को आप लेके कोई गाड़ी आ जाओ और हम आपको यहाँ मना करें, आपकी गाड़ी से तो हम मना नहीं कर सकते ना, वो अपने माइक से अपनी गाड़ी से बोले है, आज तक इसी के परिवार से सुनना चौटाला, नन्ना चौटाला, अबे चौटाला, और आज इस सुप्रीमो इन लोगों के ओम प्रकाश चौटाला जी आए, इनका मान सम्मान सब का किया, इसी परिवार से चार आदमी आ लिए, हमने किसी को मन इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के तीन नेता यहाँ सुप्रीमो है, दीपेंद्र हुड्डा दो बार यहाँ आ चुका है, आपने देखा होगा, बिल्कुल शालीनता से उन्होंने बात करी, ठीक है आपका प्रोटोकॉल को मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं लोगों के बीच में बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, दो बार वो साथिया रणदीप सुरजेवाला आया भाई, आपका सुशील गुप्ता आप पार्टी का यहाँ आया, आपने देखा होगा, आज तक बलराज कुंडू मैम से MLA यहाँ आया, आज तक हमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मन साझा करने दिया, ना आगे करेंगे, इसी कारण यही रहा कि यो टोल इतनी ज्यादा संख्या में इसीलिए चल रहा है, किसी भी राजनीति को नहीं बात करेंगे, आप टोल पाओ हो, जसपा के और भाजपा के ले गए एक नंबर वार्ड से और प्रधानमंत्री तक बंद करा, क्या कोई सरपंच मेंबर बनजला पार्षद कोई बोल रहा, रही बात है किसानों का भाई समर्थन तो करें, आपने एक डोगा मारने वाली बात की कि आपने डोगा खाया तो उन्होंने मारा है या लगा है, एक फर्क होता है, लगा कोई हिरण आ रहा था, क्यों महा से हिरण आ रहा था, मैं तो नमस्ते कर गया था बिल्कुल दूर मेरे से जी, तो इसको हम डरते, सुन भाई के है नाम आपका, हम डरते को नहीं बता दिए, डोका मार रखा है, आग कैसे आग क्या था, मैं कहा कि माइक पर बोलूंगा लेकिन ये कमेटी का निर्देश था, आज जोड़ रहे थे हम ठीक बोल नहीं देंगे, किसानों का अपमान किया आपके, डोगा मारा तो कोई, हां मैं कोई निंदे भाई मारा तो बहुत सार मारा, कोई बात नहीं, ऐसा हम कोई नहीं रखते, महाराज लठड़ा के नारे कौन सुने हमारी, गोली चाल मारी कौन सुने हमारी, बहुत सार मारे, हाँ मीडिया के हो गए, हाँ मीडिया के हैं, फिर पूछिए आप, बहुत बड़ा पत्रकार है, बड़ा पत्रकार है, फैसला करेंगे क्या, नहीं फैसला कर दे, हम तो लड़ाई लड़ाई किसान मजदूर, कोई सवाल ठीक है भाई, ठीक है मलिक साहब, धन्यवाद।